पकड़े गए अर्जली लाश के हत्यारे बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक पूनम ने बताया। 10 बजे सूचना मिली थी कि मोहल्ला जो पूर्वी दीक्षित थाना है, थाना गोला में, उसमें एक प्लॉट में अधजला शव, जो ज़्यादातर जल चुका है, वो शव है। जब उसकी छानबीन की गई, पूरी पड़ताल की गई, तो घटनाक्रम इस प्रकार सामने आया है कि ये एक युवक जो जैद अली है, ईशानगर का रहने वाला, चंडीगढ़ काम करता था, यह 20 में अपने घर से निकला है और शाम में जब गोला पहुंचा है तो गोला के दो लड़के अंशुमान शुक्ला और सोहन उर्फ सोनू, जो कि गोला के ही रहने वाले हैं, वहाँ चौराहे पर खड़े थे और इनसे जब बातचीत हुई तो इन दोनों को यह लगा कि इसके पास पैसा है और इन्होंने इसको रात में वहाँ एक जो विवादित है मकान अंशुमान शुक्ला का है उसमें इसको रोक लिया था। और रात में जब इससे इन्होंने पैसा लेने का प्रयास किया तो इनका कहना उसके पास पैसे नहीं थे, पर इनको शक हुआ कि अब पुलिस इस आधार पर गिरफ्तारी करेगी, ये सूचना देगा, तो उसको ईंट से इन्होंने सिर पर वार करके मार दिया। और उसके बाद इन्होंने 21 में ये इसको मारा था और योजना बनाई थी कि इसको बोरे में बंद करके यहीं पर ही ये छिपा देंगे, लेकिन फिर इनको यह लगा, जो पूछताछ में इन्होंने बताया है, कि इससे ये अगर डेड बॉडी मिल जाएगी तो खुलासा हो जाएगा, तो इन्होंने इसको जलाने का प्रयास किया। और वहीं जो 60-70 मीटर की दूरी पर एक खाली प्लॉट है जो कि विवादित है, उसमें इन्होंने इसको जलाने का प्रयास किया। ज़्यादातर शव जल चुका था, लेकिन तभी एकदम काम किया गया तो इसके जो जलाने के प्रयास में वहाँ पर कुछ अवशेष और भी, जो त्रिपाल के अवशेष थे, पेट्रोल छिड़ककर इसको जलाया था, वह भी पड़े हुए थे। और जो अभियुक्त है ये अंशुमान शुक्ला, इसके भी हाथ पर अभी भी जले हुए के निशान हैं, इन्होंने इसको जलाया था। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और इनसे वह ईंट जिसको सिर पर वार करके मारा गया था वह बरामद हुई, और जो मृतक है इसका मोबाइल बरामद हुआ और इसका बैग बरामद हुआ है।